नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं कतर से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कतर से रिलेटेड बता दूं, कतर सरकार ने, हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहले कोरोना से रिलेटेड बात करेंगे कि भाई कोरोना की वहां क्या स्थिति है, कितने लोग पर डे वहां पे बढ़ने की चांसेस हैं, कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड बात ये करेंगे, कतर की सरकार ने इंडियन सरकार को भरोसा दिलाया है वर्करों के लिए, उन्होंने क्या बोला है आप लोगों के लिए जो वहां पे रह रहे हैं या फिर नए तरीके से जो भी जाने वाले हैं या फिर जा रहे हैं, क्योंकि कतर की फ्लाइट सबको पता है चालू है, लोग जा भी रहे हैं। दोनों से रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको कल कंट्रीज कतर से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कतर से रिलेटेड अगर आंकड़ों की बात कर ले तो कतर में बता दूं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1,62,732 केस 25 फरवरी तक की मैं बात करूं तो आए हैं टोटल केस। जी हाँ, इसमें से अगर डेथ की बात करें, मरने वालों की संख्या तो लगभग 257, ठीक है, यानी लगभग 250 प्लस आप 250 प्लस आप मान सकते हैं अभी तक लोगों की डेथ हुई है। और इसमें रिकवरी के आंकड़े की बात करें तो 1,52,802 लोग अभी तक रिकवरी हो चुके हैं। जी हाँ, हालांकि आंकड़ा ज्यादा नहीं है, 10,000 का केस है, जो लोग वहां पे एक्टिव केस है वो मात्र 10,000 है। अगर पर डे आंकड़ों की बात करें तो भाई छोटी सी कंट्री होने के बावजूद वहां पे 400 से 500 आंकड़े पर डे निकल के आ रहे हैं। हालांकि आपको पता है कोरोना का स्टोन एक दोबारा से रिटर्न वापस आ रहा है, जिसको बोलते हैं रिटर्न अगेन, वो स्थिति हो रही है। इंडिया में देख सकते हैं, दुबई में देख सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे है कि वो दोबारा से आवी हो रहा है दोबारा। इसको देखते हुए कुछ कंट्रियां कंट्रोल कर रही है फ्लाइटों में, वीजा में, बहुत सारी में। ये तो हो गई कोरोना से रिलेटेड बात। अभी हम बात करेंगे, मैं बता दूं, पिछले मैं 3 फरवरी की बात करें, यानी इसी फरवरी 2021 3 फरवरी को मैं बता दूं, इंडिया की और कतर से रिलेटेड जो वहां अपने इंडिया के वहां के जो विदेश मंत्रालय में जो अधिकारी बैठते हैं उनकी आपस में बातचीत हुई, एक तरह से मीटिंग जिसको बोल सकते हैं। जी हाँ साथियों, दोनों देशों के कतर ने वादा भी किया अपने इंडियन सरकार से कि भाई इंडिया में जो भी वर्कर हैं, इंडिया के जो भी वर्कर हैं कतर में, उनको परेशानी नहीं आने दी जाएगी, उनका हमारी सरकार ख्याल रखेगी। जी हाँ साथियों, 3 फरवरी को ये मीटिंग हुई 2021 को, बता दूं भारत और कतर के बीच में। ये चौथा विदेश कार्यालय परामर्श इसको बोल सकते हैं, गवर्नमेंट लैंग्वेज की बात करें तो हुआ, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे विचार विमर्श हुआ। जी हाँ साथियों, भारत के विदेश मंत्रालय में जो सचिव है संजीव भट्टाचार्य ने इसका विदेश मंत्रालय की तरफ से बता दूं इसको प्रोसेस में लाया गया। और कतर की बात करें, कतर विदेश मंत्रालय के डॉक्टर अहमद हसन अल हमादी ने, उनकी तरफ से ये प्रोसेस रखा गया। दोनों तरफ से लंबी बातचीत हुई अपने इंडिया के बारे में, कतर के बारे में, काफी सारे वर्करों के बारे में भी डिस्कस हुआ, क्योंकि आपको पता है कतर में काफी ये मुद्दा भी उठता रहा है कि कतर की सरकार वर्करों की तरफ ध्यान नहीं देती, कंपनियों का शोषण करती है, समय पे उनकी सैलरी नहीं मिलती। मैंने भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, ह्यूमन राइट्स अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनकी तरफ से भी ये मुद्दे उठाए गए हैं, इसलिए कतर सरकार को ये सफाई देनी पड़ी। सरकार इंडियन सरकार को भी बोला है कि भाई आपके जो भी वर्कर हैं उनका हम ध्यान रखेंगे। और जो अपने भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव थे उनकी तरफ से धन्यवाद दिया गया कि भाई कोरोना काल में हमारे इंडियन लोगों का आपने ध्यान रखा, प्रवासियों का ध्यान रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कतर की सरकार को दिया। और बता दूं इससे रिलेटेड भी बात करें, दोनों देशों के बीच राजनीतिक ऊर्जा से रिलेटेड या व्यापार निवेश से रिलेटेड या फिर खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा मुद्दा विज्ञान प्रौद्योगिकी राजनीतिक सामुदायिक सांस्कृतिक इन क्षेत्रों में आपस में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ दोनों देशों की तरफ से। तो बस ये आप लोगों के साथ ये वीडियो छोटा सा शेयर करना था कि भाई कतर की सरकार ने इंडियन सरकार को आप लोगों के लिए भरोसा दिलाया है कि हम उनकी रक्षा करेंगे, हम उनकी समाधान करेंगे, अगर उनकी प्रॉब्लम होती है तो उनको कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, उनकी तरफ से ये भरोसा दिलाया गया। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।